महाराज महंत मोहनगिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सत्ताज सिंह मलिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कैलाश सिंह मेघवाल, हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र जी यादव, हमारे सांसद श्री अर्जुन जी मेघवाल, पूर्व सांसद श्री जसवंत जी बिश्नोई, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अमृता जी राठौर, हमारे विधायक बाबू जी बाबू सिंह जी राठौर, हमारे दूसरे विधायक श्री गजेंद्र सिंह जी खींचर, पूर्व सांसद श्री धन सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री रामगंज जी, पूर्व जिला प्रमुख श्रीमती अनिता चौधरी जी, पूर्व विधायक श्री नरेंद्र नागर जी और श्री शांत सिंह जी, जिला अध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह जी और प्रधान कार्यालय श्री महावेंद्र सिंह जी, और इतनी भारी और भव्य संख्या में इधर उपस्थित बैठी हुई मेरी सब माताएं बहने, आप लोग सबको तो मैं सबसे पहले प्रणाम करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों ने तो गजब ही कर दिया है आज जिस हालात में आप लोग यहाँ पे बैठी हैं। मैं तो हमेशा ये मानती हूँ कि मेरी ताकत, मेरी ऊर्जा मेरी माताएं बहने हैं, और जब मैं आपको इतनी भारी संख्या में यहाँ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी ताकत ही क्या, ये आपकी ताकत है, और इस आपकी ताकत में हम सबकी ताकत अगर जुड़ जाती है तो ये समझो कि हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर कैसा कैसा बदलाव होगा। तो मुझे बड़ी खुशी है और मैं इसलिए दिल से आप लोगों का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप लोग सब यहाँ आई। मेरे फोटोग्राफर भाइयों को मेरा कहना पड़ेगा कि आप लोगों को बैठना पड़ेगा, नहीं तो मैं देख ही सकूंगा, तो आप नीचे आ जाओ बस। और इधर बैठे हुए इस तरफ उधर सब उधर छतों के ऊपर बैठे हुए मेरे सब भाई और बुजुर्गण, मैं आप लोग सबको प्रणाम करना चाहती हूँ। आप लोगों ने जो आपके जिस तरीके से आशीर्वाद दिया है और साथ बनाया है, उसके लिए मैं पीढ़ी पीढ़ी भी आप लोगों के लिए दौड़ दौड़ के काम करूंगी, तो मैं समझती हूँ कि ये प्यार का कर्जा आपका उतार नहीं पाऊंगी। मैंने हमेशा यही कहा है कि मेरे लिए जनता परिवार है, और आप लोगों ने जिस तरीके से चुदड़ियां उड़ा उड़ा के, जिस तरीके से विश्वास दिला दिला के, जिस तरीके से आशीर्वाद दे दे के आप लोगों ने मेरे पिछले राज के 5 साल चलाए, और ये 5 साल भी आप लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, उसी के पीछे पागल है हम, यही कायल है हम, इसके पीछे भागते हैं दौड़ते हैं। हमारे लिए आप ये इतना देते रहो, हम लोग दौड़ते रहेंगे, आप लोगों का काम करते रहेंगे, आपको हमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ना हम आपको कुछ मांगना चाहते हैं, तो इतना ही दो प्यार दो, तो सब कुछ है हमारे। यहाँ से मेरे मुझे याद है कि शेरगढ़ वो भूमि है, वो पावन भूमि है हमारे सब सैनिकों की, ये सैनिकों की वो पावन भूमि है, मैं छू के आज अपने आप को धन्य पाती हूँ, क्योंकि यहाँ से ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाके हमारे देश के अंदर अपनी जान की कुर्बानी की और हम सब के लिए अपनी जान दी, हम उन्हें कभी नहीं भूल सकेंगे, और आज उनके सामने भी मैं अपना शीश दबा के उनको नमन करना चाहूंगी। शेरगढ़ से ही मैंने, मुझे याद है जब मुख्यमंत्री बनी थी तो सबसे पहले यहाँ से काम चालू किया था। मुझे याद है कि साहब के मेरे तरफ यहाँ बाबू सिंह जी ने आके पानी की जो समस्या के सामने सामने रखी थी, और उन पानी की समस्या को ध्यान में लेते हुए सबसे पहले उस समस्या को अपने निकालने का हम लोगों ने काम शुरू किया। मैं देख रही थी कि कई गांव और ढाणी आज भी पानी से वंचित है, और मैं पूछती हूँ ये प्रश्न क्यों क्यों है, क्योंकि अगर हम लोगों ने अपने समय के अंदर इतना सारा काम किया था और इतने सारे लोगों तक पानी पहुंचाने का काम किया था, तो मैं तो तृप्तता कह रही हूँ कि वो काम ही आगे बढ़ा दिया होता, वो पैसा ही इस्तेमाल कर लिया होता, तो कितने सारे लोगों तक वो पानी पहुंच जाता और कितने ग्राम और झाड़ियों में पहुंच के लोगों को वो खुश करता। आज ये सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही। मुझे याद है कि सत्ता पूरे करने के लिए हमने हिमालय पेयजल योजना जो RD 154 के प्रथम चरण का कार्य हम लोगों ने पूरा किया था, और RD
उनसठ में द्वितीय चरण के लिए हमने करीबन 75 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए थे। करीब 30 करोड़ रुपए इस राशि में से इस काम के लिए खर्च भी हो गए। इसके बाद कांग्रेस सरकार आई और 3 साल तक इस काम को रोक के छोड़ दिया है। बाकी 44-45 करोड़ का अभी तक कार्य पूरे नहीं हो चुका है और आगे 134 में द्वितीय चरण के लिए 234 करोड़ रुपए हमने अक्टूबर 2007 में स्वीकृत कर दिए थे। ये छोटा मोटा पैसा नहीं है भाई, ये जोरदार पैसा है और इस जोरदार पैसे को हमने आप लोगों के लिए निकालने का काम किया था और इसमें से 21 करोड़ रुपए का काम हमारे कार्यकाल में ही चालू हो गया था, जिसका शेष कार्य 3 वर्ष के अंदर फिर कांग्रेस ने रोक के रख दिया और बाद में स्वीकृति में 138 करोड़ का कार्य आदेश दिया गया है, जिसे 10 अगस्त 2013 को पूर्ण करना था और जो अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया। मैं पूछ रही हूँ कि देवानिया चांदू कनौड़िया आश्रमाई का कार्य तो अभी तक प्रारंभ ही नहीं हुआ है। इतने सारे काम थे और कितना सारा पैसा आपके लिए अलग करके रखा था। मुझे याद आता है कि हमारे मुख्यमंत्री थे जिनने अपने 5 साल के अंदर हमेशा एक ही बात कही थी कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम इसलिए काम नहीं कर सकते। मैंने आप लोगों को तब भी कहा था कि ये तो इच्छा शक्ति की कमी है, क्योंकि सरकार पैसा हमेशा पैसा होता है, पैसे की कमी नहीं होती, इच्छा शक्ति की कमी होती है। और अगर तय कर लो कि हमको ये सब काम करने हैं तो राजस्थान के भरपूर संभागों के लिए और जिलों के लिए पैसा है, उसको काम कराने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और इच्छा शक्ति अगर होती है तो काम भी आराम से हो जाते। 5 साल मैं मानती हूँ कि कम है, अगर बहुत टाइम मिल जाता तो ये पानी आपको पीने को मिलता, आपको इतने दिन बैठने की जरूरत ही नहीं होती। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ। शहरी क्षेत्र के अंदर मैंने चला के 2 काम किए थे, अभी तो एक अघोषित कटौती चल रही है। मैंने भाइयों सबको ये कह दिया कि माता बहनों के लिए अलग से एक सिंगल फेज की लाइन निकालेंगे, जो आज तक राजस्थान में कभी नहीं हुआ था। यह इतिहास है राजस्थान का कि पहली दफा महिलाओं को ध्यान में रखते हुए हमने अलग से लाइन उनके लिए निकाली और ये सोच के निकाली कि आप लोग घर के अंदर ठंडक कर सके, आपके यहाँ आपका फ्रिज चले, आपका कूलर चले, ये भी कि बच्चों की पढ़ाई है तो बच्चों को कहीं भाग जाने की जरूरत नहीं पड़े, उस लट्टू के नीचे अपनी परीक्षा की तैयारी वो कर सके और हमारे घर के लोग खेत से और व्यवसाय से थके मानने घर आते हैं तो ठंडा घर मिले, ये सब सोच के मैंने महिलाओं को लाइन दी थी। और मैं जब 2008 के अंदर गई तब 20 से 22 घंटे बिजली आपको देने का काम मैंने शुरू कर दिया था माता बहने, मैं चाह रही थी कि वो 24 घंटे हो जाए और मेरी सरकार रहती तो वो 24 घंटे बिजली देने का मैं काम भी करती। और मैं आज आपको ये विश्वास दिलाना चाह रही हूँ कि सरकार अपनी आएगी तो सबसे पहले घरेलू बिजली माता बहनों को 24 घंटे देके मैं छोड़ूंगी। मेरे को लोगों ने कहा कि ये बिजली हो नहीं सकती, राजस्थान के अंदर कभी नहीं हुई है। मैंने कहा राजस्थान के अंदर बिजली होगी, हम करके छोड़ेंगे और मैंने करके आप लोगों को दिखा दिया है। तो यहाँ तो एक सरकार है जो आपके सामने रोज रोज अखबार के अंदर एक पोस्ट कार्ड निकाल के अपनी घोषणाएं रोज करती है, मालूम नहीं कितने पोस्ट कार्ड हो गए। मैं जब लास्ट देखा था तो करीबन 80 हो गए थे। लगातार पैसा है, हमारे पास तो पैसा नहीं था, हमने तो अपना पैसा जो था वो जनता में लगाया, इन्होंने जो इनका पैसा है वो अपनी पढ़ाई में लगाते हैं। परंतु फर्क है भाई, घोषणा और उपलब्धि के अंदर फर्क है। घोषणा तो वो है जो आपको कहें कि मैं आने वाले समय में जब अपनी सरकार आएगी तो 24 घंटा बिजली दूंगी, और उपलब्धि वो है कि उसके आने से पहले 18 से 20 घंटे बिजली दे के मैंने छोड़ा, वो मेरी उपलब्धि है। परंतु ये कौन सा उपलब्धि है, कौन सी घोषणा है, किसी को मालूम ही नहीं है। 77 के 77 जो मैंने देखे हैं ज्यादातर उपलब्धि नहीं है, घोषणा ही है। और घोषणा होती तो हमारा पेट भर गया है, 7.5 साल घोषणा ही घोषणा सुन सुन के हम पागल हो गए हैं। हमको चाहिए क्षेत्र के अंदर काम, हमको चाहिए क्षेत्र के अंदर वो काम जो हमारी बुनियादी मुसीबतें हैं। हमारी बुनियादी मुसीबत 65 साल के लोकतंत्र के बाद अगर नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा भाइयों? मैं ये प्रश्न बार बार सबसे पूछती हूँ। शहरी आपके चिकित्सा सुविधा, ये चिकित्सा सुविधा का तो भगवान ही मालिक हो गया भाइयों।
डॉक्टर ही नहीं है तो इलाज कैसे होगा। मैंने देखा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भालेसर में कनिष्ठ विजय माने जूनियर स्पेशलिस्ट के 6 पद और कितने काम कर रहे डॉक्टर, 1, 6 की जगह में सिर्फ 1। रेडियोग्राफर नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है, आपके शेरगढ़ के अंदर जूनियर स्पेशलिस्ट के 5 पद स्वीकृत है उसमें 2 बैठे हुए हैं। चिकित्सा अधिकारी के 3 पद खाली है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चामू के अंदर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का पद खाली है और आपके सीनियर स्पेशलिस्ट के 2 स्थान के ऊपर 1 ही है। मैं महिला नहीं है, महिला रोग वाले नहीं है, शिशु रोग वाले विशेषज्ञ नहीं है तो जाएंगे कहाँ। और ये मेरे को रोज कहते हैं अखबार पढ़ लो जयपुर का कि हम मुफ्त दवाई दे रहे हैं, हम मुफ्त जांच करा रहे हैं। अरे माताएं बहनें भाइयों बुजुर्गों किसी का मुफ्त जांच हुआ? मुफ्त जांच किसी को मुफ्त दवाई मिली? रोज रोज सुनने को मिलता है परंतु मैं जानती हूँ और ये 7वां संभाग मेरा है। आज जोधपुर की मीटिंग अपनी आखिरी मीटिंग है और मुझे कहीं भी डॉक्टर नहीं मिले, कहीं भी डॉक्टर नहीं मिले जितने पर्याप्त होने चाहिए थे। तो मुफ्त जांच कैसे होगा जब टेक्नीशियन नहीं है, लैब वाले नहीं है, तो वहां भाइयों आपको मुफ्त दवाई कैसे मिलेगी, जांच कैसे होगा? मुझे समझ में नहीं आता, ये सब देखने को मुझे मिल रहा है। इसके साथ साथ आप ये देख लीजिए कि हमारे रोड्स की क्या हालत है। अरे 7ों संभाग के क्या हालत है। खाना खा लो और अगर उस खाने को पचाना है तो ये सब रोड्स के ऊपर चलो। आपके अंदर के रोड गड्ढे हैं, रोड नहीं। अभी अभी एक जो गांव में आपके इसके पहले वाला गांव जो था अच्छा निकल के आ रही थी तो सरपंच साहब ने मेरे को बताया साहब ये 20 साल पुराना रास्ता है। बार बार हम लोग कहते हैं इस गड्ढे के अंदर खांचे हैं, गड्ढे हैं, हमारा रास्ता नहीं है, गड्ढा ही गड्ढा है और इसके ऊपर 20 साल से कुछ चलना पड़ रहा है। बार बार हम लोगों को कहते हैं कुछ करता ही ये है। तो रोड रोड की हालत और स्कूल की हालत तो अभी खराब है। 1500 पद आज रिक्त चल रहे हैं और शिक्षकों की घोर कमी है। स्कूल के ऊपर सारे लोग जम रहे हैं, परीक्षाएं हो नहीं रही है। अभी गांव में मैं उठी थी तो रामवर ने कहा कि सब तो फेल लाइक है, 6ठी क्लास में हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं, आगे चल के इनका होगा क्या, कंपटीशन में बैठेंगे कैसे, उनको रोजगार मिलेगा कैसे। ये सब लोग माता बहने सब बुजुर्ग सब परिवार के लोग इसके बारे में चिंता कर रहे हैं। भाइयों मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अब 65 साल निकल गए, इस 65 साल के अंदर मेरे 5 साल आप निकाल दीजिए, भैरव सिंह जी के 7 साल आप निकाल दीजिए तो 53 साल हम लोगों ने लगातार कांग्रेस को दिया। उधर मोदी जी का आप देख लीजिए गुजरात के अंदर 15 साल के अंदर किस तरीके से गुजरात का काया पलट हो गया है। उधर देख लीजिए आप मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके से 10 साल के अंदर उन लोगों ने मध्य प्रदेश के हुलिया बदल दिया है। पंजाब देख लीजिए 53 साल के बाद हम लोग गड्ढे में पड़े हुए हैं, बीमारू प्रदेश कहलाए जाते हैं, हमको बाहर पलायन करना पड़ता है। हमारे डॉक्टर नहीं है, टीचर नहीं है, रोजगार नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा विकास दर बिहार से नीचे हो गया, बिहार जो बिल्कुल पीछे हुआ करता था आज 16% तो उसका विकास दर है और हमारा विकास दर है 5%। भाइयों क्या होगा राजस्थान को आगे चलते 5 साल इनके अंदर, अगर हम लोग 5 साल आगे बढ़े थे तो ये 10 साल पीछे हो गए। हमारे बच्चों को नौकरी के लिए जब वो चिल्लाते हैं तो हमने अपने टाइम में 10 लाख लोगों को नौकरियां दी थी, आज इनसे पूछो कितने लोगों को नौकरियां दी है। आज ये टेट की परीक्षा बीच में घुसा दी है, इस टेट की वजह से सब लोग उसी में फंस जाते हैं, कोई आगे उस पे बढ़ नहीं पा रहा है। मैं सबको कह दिया कि टेट का प्रबंधन अपन करेंगे और साथ में आरपीएससी के द्वारा आप लोगों को फिर से नौकरी देने का काम जिस तरीके से पहले करा करते थे वैसे फिर करके देंगे। आप लोगों को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। बेरोजगारी भत्ता, अब बेरोजगारी भत्ता मैंने 1,38,000 बच्चों को दिया और इसलिए दिया कि जो बच्चों को 2 साल नौकरी ढूंढने में लगेगा वो अपने माँ बाप के ऊपर बोझ न बने। ये आते ही उसको बंद कर दिया, अच्छा स्कीम थी उसको चला लेते तो क्या मुसीबत होती, परंतु उनने उसको वहीं जाके बंद किया। अभी 8 महीने पहले उसको फिर चालू किया है क्योंकि उनको मालूम है कि चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव आ रहे हैं तो फिर से सौगातें बांटने का काम है, तो इन्होंने उसको शुरू कर दिया और शुरू करके नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। भत्ता तो दे दिया परंतु नौकरी नहीं दे पा रहे। मैं सबको यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिस तरीके से पहला दौर था उस तरीके से हम लोग फिर अपने बच्चों को पैरों पर खड़ा करने का काम, उसको फिर से शुरू करने का काम हम लोग करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे किसान भाइयों बैठे हुए हैं,
मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, भाइयों मेरे को बताओ कि आप लोगों का जब पाला पड़ा था, जब ओलावृष्टि हुई थी, तो क्या आप लोगों को मुआवजे का पैकेज मिला था? क्या आपको बीमा मिली? बीमा का इंतजाम हुआ? मुझे ये बताया गया जयपुर के अंदर कि आप कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने तो बिजली के दाम घटाए, हमने तो उन लोगों को एक ऐसे पैसे का पैकेज दे दिया कि इन सब किसानों की चिंताओं को हमने दूर कर दिया। और आप दोनों आप सब अपने हाथ ऊपर करके कह रहे हो कि हमको तो पैकेज ही नहीं मिला। तो भैया बताओ मेरे को कि 150,000 रुपए बिना ब्याज का कर्ज किसी को मिला है? किसी को मिला? किसी को भी नहीं मिला। यह भी मेरे को बताया गया था कि किसानों को आपने देना काम चालू कर दिया है। मैं ये पता करना चाहती हूँ कि किसान को टाइम पे पानी नहीं, बिजली नहीं, इसको टाइम पे खाद नहीं, उसको टाइम पे आपका क्या बोलते बीज नहीं, और फिर वो फसल आती है तो फसल लेके जब बाजार में जाता है तो फसल के अच्छी तरह से दाम नहीं मिलते। ये सब करने के बाद पहली दफा राजस्थान का किसान आत्महत्या करने लगा है। मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि आत्महत्या पहले आपके महाराष्ट्र में हुआ करती थी, यह आत्महत्या आपके आंध्र प्रदेश में हुआ करती थी, और ये पहली बार राजस्थान के अंदर किसान आत्महत्या करने को चुन रहा है। ये स्थिति पहले कभी राजस्थान में थी। हमारी माता बहने आज राजस्थान का कितना जोरदार दौलत था, कितना बड़ा इतिहास था माता बहना का, हमारी माता बहनों को हम लोग सब पूछते हैं राजस्थान के अंदर, हमारे इतिहास के अंदर उनकी पूजा होती है, लोग दूर से आते हैं उनकी कहानियां सुनने के लिए, इस राजस्थान को देखने के लिए। और आज राजस्थान के अंदर महिलाओं के साथ जिस तौर पर जोरदार तरीके से अत्याचार हो रहा है भाइयों, और महिलाओं की क्या सुरक्षा हो रही है, अभी हमारी बच्ची कहीं स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, तो हमारा दिल ऐसा बोलता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी घर पे बच्ची वापस ना आ जाए। डरते हैं हम लोग कि बच्ची गई है कि वापस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। आज राजस्थान के अंदर हम अपनी बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकते। मैं ये कहती हूँ कि जो मुखिया परिवार का अपनी बहू की, अपनी बिटिया की इज्जत को नहीं बचा के रख सकता, उसको चुल्लू में पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उसको हक नहीं है अपनी सरकार अपने परिवार को चलाने का। या मैं देख रही थी कि हम लोग राजस्थान, गौरवशाली राजस्थान, जिसके इतिहास को पढ़ पढ़ के लोग राजस्थान को देखने आया करते थे, आज हमारी महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, इसको सुन के हम उनके सामने कलंकित हो जाते हैं। हमारे जो पर्यटक आते हैं वो उनके बारे में पूछते हैं, उनके सामने हमारा सिर झुक जाता है शर्म से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज भ्रष्टाचार के अंदर पूरे देश के अंदर राजस्थान नंबर वन प्रदेश है। इतनी शर्म की बात है कि हम जहाँ महिलाओं के लिए, हमारे इतिहास के लिए, हमारी शूरता वीरता के लिए हम जाने जाते थे, आज हम इन चीजों के लिए जाने जाते हैं। क्या अपराधों में दूसरे नंबर पे पूरे देश में, महिला उत्पीड़न में देश में तीसरे नंबर पे, आदिवासी उत्पीड़न में देश में दूसरे नंबर पे, एससी और एसटी अत्याचार में देश के पहले नंबर पे? ये राजस्थान जिस राजस्थान के लोग भूखा मर जाते थे परंतु अपने इज्जत और अपने स्वाभिमान के साथ कभी किसी को खेलने नहीं देते थे, आज इस राजस्थान की ये स्थिति हो रही है। और वो इसलिए हो रही है कि हम लोगों ने तय नहीं कर दिया कि ऐसे लोगों को हम लोगों का कोई साथ देना ही है। हम ये तय कर लें कि हमारी 36 की 36 को हम ये तय कर लें कि हमारे सब मतलब एक साथ मिलकर एक परिवार के रूप में जब आगे चलेंगे तो राजस्थान आगे बढ़ सकेगा। इस कांग्रेस ने लगातार हम लोगों के बीच में झगड़ा करा के, मतलब के बीच में झगड़े करा के ये कोशिश की है कि हम एक दूसरे से लड़ते रहे और लोगों का फायदा उनको मिलते रहे। वो नहीं चाहते भाइयों कि आप लोग संपन्न हो जाओ। अगर वो चाहते तो आज वित्तीय वर्ष में 20,000 बीपीएल परिवारों को कनेक्शन देने की घोषणा करके सिर्फ 6,000 बीपीएल परिवारों को कनेक्शन नहीं देते। तो जगह जगह गई हूँ आज, सब लोगों ने हमको कहा कि हमें कनेक्शन नहीं दे रहा है कोई, हम मांग रहे हैं पैसे दे दिए, परंतु कह रहे हमको कनेक्शन को नहीं दे रहा है। बीपीएल परिवार आज हमारा राज्य, हमारा प्रदेश, क्या हमारा पूरा देश 70% बीपीएल, पूरा देश 65 साल के बाद हम लोगों को उसमें से निकल जाना चाहिए था, परंतु ज्यादा लोग बीपीएल बन रहे हैं और कम लोग उसमें से छूट के निकल रहे हैं। राजस्थान के अंदर किसी ने इसकी इंक्वायरी की क्या? किसी ने इंक्वायरी नहीं की। और मैं ये कहना चाहता हूँ
साथियों के आज जो बीपीएल के अंदर लोग आ रहे हैं उनको बीपीएल होने का कोई हक नहीं है, और जिन लोगों को बीपीएल होना चाहिए था उन बेचारों को बीपीएल के अंदर लाने का कोई मदद नहीं कर रहा है। ये पूरे राजस्थान के हाल कितने कितने लोगों के साथ मुसीबतें हुई है वो आप लोग समझ चुके से जानते हो। मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि कर्मचारी भी आज कल आंदोलन कर रहे हैं, कर्मचारी भी इसमें से छूटे नहीं है भाइयों, और ये समाज और ये सरकार के एक बहुत बड़े अंग हैं। मुख्यमंत्री को कम से कम उनकी बात तो सुन लेनी चाहिए, और मैं कहती हूँ कि राष्ट्र तब आएगा आप कर्मचारी को प्रताड़ित नहीं उनके साथ बैठ के बात करोगे तब तो उसके अंदर से रास्ता निकलेगा। ये मैं विश्वास करती हूँ कोई करने को तैयार नहीं है। माताएं बहने महंगाई कहां से कहां गई, सब माताएं बहने मेरे को कह रही है पेट्रोल के दाम 2 रुपए बढ़ गए भाई, और डीजल का 50 पैसे के हिसाब से बढ़ गया, और इन्हें ये तय कर लिया कि हर महीने चुपचाप से 50 पैसे हम बढ़ाते जाएंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी। आपको सबको मालूम है कि हमारे जमाने में 260 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलता था, आज मुश्किल से आप लोगों को 700 रुपए का मिलता है, और लोग मेरे को कह रहे हैं कि 700 रुपए का भी नहीं मिलता है, रात में 1200 रुपए का मिलता है। क्या ये सही है? सही है। आप लोग अगर अपना वो क्या बोलते हैं बिजली का ट्रांसफॉर्मर बदलते हो तो वो अगर खराब हो जाता है तो 72 घंटे में नहीं 72 दिन में आता है, और वो भी अगर आप रिश्वत दो तो आएगा। मैंने पढ़ा उसके अंदर अभी कि आपके पोस्ट कार्ड में पढ़ा कि 258,000 लोगों को पट्टे दिए, कितने लोगों को पट्टे दिए यहाँ पट्टे मिले। मैं अभी आम रोड से आ रही थी तो आम रोड से आई थी देखा बुलडोजर चल रहा है, तो बुलडोजर के चारों ओर अपने आदमी खड़े हैं, आदमी ने रोक के मुझे कहा कि हमारी बात सुनिए ये बुलडोजर चल रहे हैं तो रोकिए। मैंने कहा कैसे रोकूंगी क्या है, उन्होंने कहा 50 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हमको आवेदन कर रहे हैं कि हमको पट्टे मिले, और ये हमारे पूरे घरों को बुलडोज करके हमको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखा भाइयों ये पट्टी तुम्हारे लिए नहीं है, ये भूमाफिया जो इन्होंने पैदा कर दी है पूरे राजस्थान के लिए, इस भूमाफिया को देने के लिए आपको बुलडोज किया जाएगा और उन लोगों को पट्टे दिए जाएंगे। ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। भीलवाड़ा से निकल के आई तो गाँव वालों ने बाहर रोका, उन्होंने कहा भाई साहब हमारी बात सुन लीजिए, हमको ये बताइए हमारे 38 पंचायत है, 38 ग्राम पंचायत में से 11 ग्राम पंचायत के अंदर भूमि के पट्टे दिए जा रहे हैं, और ये रात के 12 बजे से 4 बजे सुबह के बीच में दिए जा रहे हैं। क्या हो रहा है ये, आप किसको दे रहे हैं रात के 11 बजे रात के 12 से 2 बजे तक क्यों दे रहे हो रात के 12 और 2 बजे तक, क्या हो रहा है जो सबके सामने आप नहीं कर सकते, और ये वही हो रहा है कि आप सबको भूमाफिया को उसके अंदर डाला क्यों कह रहे हो, और फिर आपकी घुटी पीठ थपथपा के अखबार में कहते हो कि मैंने तो पहली दफा राजस्थान में 258,000 पट्टे दे दिए। ऐसे पट्टे दे दिए आपने, पैदा कर दिए भूमाफिया आपने, पैदा कर दिए खान माफिया आपने, कर दिया शराब माफिया आपने, कर दिया पानी माफिया, ऐसे तो माफिया पैदा हो रहे हैं, सब दूर बेचारे गरीबों का गला घोट रहे हैं। और मैं ये कह रही हूँ कि अब समय आ गया हरे माताएं बहने और भाई और बुजुर्गों की हम लोग सब मिलकर नया राजस्थान बना, समय आ गया है कि इन लोगों को सबको अलग करें और एक दफा हम लोग सब मिलकर उस राजस्थान को उस ऊंचाई पे पहुंचाने का काम करें जिस ऊंचाई के ऊपर एक जमाने में हमारा राजस्थान हुआ करता था। हम ये चाहते हैं एक समृद्ध राजस्थान, एक खुशहाल राजस्थान, एक ऐसा राजस्थान जिसको देखने और छूने के लिए लोग पास से आए। आज हमारे लोगों ने ये कह दिया है कि राजस्थान के अंदर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि जो राजस्थान के प्रवासी लोग हैं वो कहते हैं कि हम यहाँ आके फैक्ट्री लगाने नहीं चाहते क्योंकि यहाँ हम लोगों से टैक्स वसूला जा रहा है, हम लोगों से पैसा वसूला जा रहा है, और हम यहाँ आके अपना लोग फैक्ट्री लगाना नहीं चाहते। ये हमारे खुद के लोग ये कह रहे हैं तो बाहर का आदमी तो कहेगा ही कहेगा। हमें चाहिए समृद्ध राजस्थान, समृद्ध राजस्थान एक खुशहाल राजस्थान, उसको काम करने के लिए खाली एक व्यक्ति या एक पार्टी नहीं कर सकता, उसको करने के लिए आप लोग सबको सबको जुड़ने की जरूरत होगी, सब किसान भाइयों को व्यवसाय भाइयों को माताओं को बहनों को और हमारे बुजुर्गों को उनका आशीर्वाद चाहिए हमको। आप लोग तैयार हो, आप तैयार हो क्योंकि ये बहुत मुश्किल का काम है, आसानी से होने वाला नहीं है। मैं चाह रही हूँ अभी आगे 4 महीने के अंदर ये पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से दंगा हो फसाद हो झगड़ा हो, नहीं तो क्या है कि अगर सब लोग मिलके एक तरफ वोट करेंगे तो उनको वोट देगा कौन। इसलिए आज आप लोगों को तय करना है
कि अगर इस सरकार को जिस सरकार ने राजस्थान का खून चूस के छोड़ दिया है और जिसके लिए खुद मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि खराब सरकार है क्योंकि इसका विकास दर इतना खराब हो गया है कि इसको आगे नहीं ले जा पाइए, किसी को कुछ नहीं कर पाइए, ना महिलाओं को भामाशाह योजना यूज करने के लिए कोई हो जाता, 24 घंटे बिजली देने के लिए कोई हो जाता, हमारे बच्चों को आगे करने का किसी का काम नहीं किया है। भाइयों बहुत हो गया भ्रष्टाचार से उन्होंने अपना काम तो कर लिया और जनता को पूरी तरह से चूस के फेंक दिया। मैं ये कह रही हूँ कि ना ये भ्रष्टाचार चलेगा, राजस्थान को हम छुटकारा देंगे और एक नए तरह से वो राजस्थान बनाएंगे जिस राजस्थान के ऊपर हम सबका गर्व होगा। लड़ने की तैयारी है। मैं ये देख रही हूँ कि कांग्रेस के मैंने पूरी तरह से उन्हें 5 महीने की सरकार चलाई है। आपको अभी चुनाव आ रहा है ना, लैपटॉप चाहिए, चलिए नहीं चाहिए वो ये तो बात दिखा रहा हूँ, लैपटॉप चाहिए तो पैसे ले जाओ, चावल चाहिए पैसे ले जाओ, अब पास ही नहीं हो रहे हो तो लैपटॉप का क्या करोगे, और महिलाओं को नौकरी नहीं, अच्छा नहीं है तो पैसे ले जाओ, अरे महिलाएं के जो बच्चे हैं दो छोटे मोटा पजामा ले जाओ, नहीं है तो एक थाली दो कटोरी भी ले जाओ, अपना घर ही बसा लो, बस हमें वोट दे दो, सोने का महल बना लो, दूध की नदी निकाल दो, हम सब करने को तैयार है, बस हम लोगों को सिर्फ अपना अमूल्य वोट, ये राजनीति, ये कांग्रेस की राजनीति। और मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूँ कि राजनीति नहीं चलेगी राजस्थान के अंदर, हमने सामने तय कर लिया है, चाहे आप कहीं भी और जाके करना चाहो, 6-7 साल दूध पकड़ के नींद लो और 7 साल में आके हमारे सामने आपको ये बताने चाहो कि आप हमारे खैर पर, हमने देख लिया है आप पानी के लिए सब चीज के लिए लोग तरस रहे हैं, अब नहीं चलेगा, अब राजस्थान चल पड़ेगा और हम लोग ने सबने तय करा है कि वो नया राजस्थान बना के हम लोग छोड़ेंगे, हम जलेंगे नहीं, हम तैयार हैं, हिम्मत है हमें, और अगर हिम्मत है तो माता करने आपको तो अपना हाथ ऊपर करके सब लोग अपना हाथ ऊपर करके मेरे को बता दो हिम्मत है लड़ाई लड़ेंगे, ये वो सैनिकों की वीर भूमि है, याद करो शुरू करिए आप लोग सब, और एक चीज याद रखिए कि यहाँ किसी को डरने की जरूरत नहीं है, आप हमें तो दौड़ाओ हम दौड़ने को तैयार है, फिर साथ में चलो तो राजस्थान का जो बदलाव है जो परिवर्तन है यहाँ से चालू करने का काम करो, जोधपुर से ही परिवर्तन होगा, ये मैं विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ। आप सबको तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, बहुत सारा प्यार देना चाहूंगी, ये मेरा परिवार है, परिवार पर मुझे गर्व है और मुझे विश्वास है कि आने वाले बहुत ही कम समय के अंदर अगर गुजरात आगे गया है, मध्य प्रदेश आगे गया है तो हम भी किसी से कम नहीं है, राजस्थान भी किसी से कम नहीं, हम लोग भी मिलकर उस जगह के ऊपर पहुंचने का काम करेंगे जिस जगह से हम लोगों को कुछ दिनों के लिए इन लोगों ने उठाया है, आओ साथ चलें और साथ चल के ये काम करें, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ बहुत सारा प्यार।